आपका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से वास्ता कैसे पड़ा, आपने उनको सुना, किस तरह रागिब हुए उनकी तरफ? अब हमें इल्म था नहीं, हम इल्म में उस टाइम थे जीरो, ठीक है। इवन कि अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, मुझे अहले सुन्नत की जो कुतुब है बुखारी मुस्लिम मेन स्ट्रीम कुतुब, उनका भी नहीं पता था मुझे। जब पता ही नहीं था तो मैं कह रहा हूँ यार ये पता है। अच्छा मेरा बैकग्राउंड अहले तशरीह, जब वीडियोज हम देखते गए तो हमने इंजीनियर साहब से ये सुना कि किसी को अपना बाबा नहीं बनाना, किसी को बाबा ना बनाना करते करते हम खुद ही इंजीनियर साहब को अपना बाबा समझने लगे। वो सिर्फ मैं नहीं, आज तक जो भी इंजीनियर साहब ये स्टूडेंट है मोस्टली ये अंधे मुकल्लिद है। इंजीनियर साहब से मुतासिर हो गए आप, अंधे मुकल्लिद बन गए। जो इंजीनियर साहब कहते थे आप उस पर ईमान ले आते थे, ईमान लेते थे, तो फिर ये जो रुझान, अभी आपकी काफ़ी वीडियो हमने देखी जिसमें बाकायदा तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब था, साहब जो इस्लाम 360, ठीक है, महबूब है इस्लाम 360। अच्छा इस्लाम 360 से जब मैंने रेफरेंस चेक करने लग गया तो मुझे पता चला कि यार बाकी में इंजीनियर साहब ने हमारे साथ दो आग नहीं किए, चार आग कर लिए। रिसर्च पेपर 5B में 30 से ज्यादा अब पेज 30 जो है वो ज़ईफ हदीसें निकली। ये ज़ईफ हदीसें जो है फितना है, हुकूमत में फितना कर दिए कि जाली हदीसें हैं, झूठी हदीसें हैं। अच्छा इंजीनियर साहब के अपने व्हाट्सएप भी दोबारा फिर से मैं जब इंजीनियर साहब से पूछा तो इंजीनियर साहब ने गूगल पे रखा के फेंक दिया, जैसे कि हालिया नूर भाई के साथ भी रखा और काफ़ी लोगों के साथ ये कर रहे हैं इस तरीके से, और उन्होंने बायकॉट हमारा कर दिया, मेरा बायकॉट कर दिया, कासिम भाई का बायकॉट कर दिया। इवन कि अभी मीर सदी साहब के साथ भी अच्छा रवैया बनता नहीं, कासिम भाई के वाले से, चूंकि वो तो वहीं के झेलम के रहने वाले, उनके घर के करीब के रहने वाले, अकेडमी में बार बार आने जाने वाले, वो तो मेन फ्रंट आदमी थे उनके और तहकीकी आदमी थे, उनके साथ ऐसा क्या मामला हुआ कि वो इंजीनियर साहब को छोड़कर चले गए? उनके सामने कासिम भाई ने कहते थे अली भाई आपके रिसर्च पेपर में सही सभी हैं, अली भाई आप इस मामले में गलत हैं, अली भाई आपका यह रवैया सही नहीं, अली भाई आपका अल्फाज का चुनाव सही नहीं, बापे तो शही कोई नहीं। अब देखो उस टाइम पे कासिम भाई ने उनको रोका था, ये आज से मैं कोई 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हैं अब इंजीनियर साहब के स्टूडेंट, इवन इंजीनियर साहब तो अल्लाह माफी दे कह रहे हैं कि नबी तो शही कोई नहीं, हसन तो शही कोई नहीं। अरे आप कोई कितने से बड़े यूट्यूबर बन जाओ, इंजीनियर साहब की आप कितने भी सपोर्ट करो ना, अगर आपने इंजीनियर साहब से सिर्फ एक बात इख्तलाफ किया, ऐलानिया किया, ठीक है, तो वो आपकी ऐसी फेंकी लगाएंगे, आपका वो बायकॉट करेंगे। सबसे पहले तो आप जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको उन्होंने एडमिन लगाया हुआ है ना अपनी वीडियो शेयर करवाने के लिए साहब ने, उन ग्रुप में से आपको एडमिनशिप देते आपको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। उसके रिमूव करने के बाद जो है फिर आपको सारे ग्रुप में से निकाला जाएगा, फिर सारे स्टूडेंट को कहा जाएगा कि इससे बात ना करो, उसके साथ उसके वीडियो में जवाब ना दो, उसको अपने चैनल पर ना लो। इवन लाइव वीडियो में स्ट्रीम में कह रहे हैं कि जी जवाब नहीं देना, अली भाई ने कहा है कि इंजीनियर का बात ना, मतलब मेरा इशारा नहीं करता है, मुझे बाकी स्टूडेंट है बाकी ग्रो भी इन्होंने बोलना होता है, बाकी स्टूडेंट सब कुछ बस सारे बाकी हैं इंजीनियर की। अभी जो रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर जो FIR का सिलसिला चल रहा है, उस FIR के जवाब के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपने 8 मुकाद लिखे हैं। पहला पॉइंट जो लगे छोकरा पे तो कहता है कि जी वो काफिरों के रेफरेंस है, यहूदियों के रेफरेंस है, वो भाई कहां में यहूदियों ने बोला है, कौन सी किताब में बोला है, बोला नकले कुफर कुफर भाषण। अजी वो अगर किसी यहूदी ने बोला हो तो ठीक है, नकली जायज औलाद थी ना ये मुदसर का, बस वो इंजीनियर के जो दूसरे स्टूडेंट थोड़ा तकिया करते हैं जी, वो भी शामिल गया अकेडमी में, जैसे भी पर्चे उधर अपनी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पूरी दुनिया की हिस्ट्री में होगा कि पेशाब का भी पर्चा था। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के हवाले से एक वो इल्मी इख्तलाफ रखकर और जबरदस्त तरीके से रद्द कर रहे हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स के हवाले से कोई मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी के हवाले से कोई बात हुई हमारा चीमा से या गुलाम मेहता से, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जितने के वो क्या समझते हैं मुफ्ती राशिद महमूद? इंजीनियर साहब के स्टूडेंट को तकलीफ उस दिन हुई थी जब 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे ना मुफ्ती साहब के, अब कुछ करें 50,000 सब्सक्राइबर हो गए अब क्या करें, ये करें वो करें, सब ने कहा जी वीडियो बनाते हैं। मैं कहता हूँ मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब अगर इस टाइम ना होते तो मैं इस टाइम जेलम अकेडमी में होता। अच्छा हमारी चीमा पर जो भी मामला हुआ बॉक्सर के साथ उस हवाले से आप कुछ फरमा रहे? हमारी चीमा भाई के लिए तो जब उनके साथ ही हुआ था ना तो अफसोस भी हुआ था, उसके साथ साथ हंसी भी आ रही थी, और वही हंसी जो चीमा साहब की करते हैं वो हंसी आ रही थी।